आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक कहानी जानेंगे कि क्यों ये एक्ट को, क्यों इस कोड को पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, इसकी ऐसी क्या ज़रूरत थी, क्यों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी एकदम इंसिस्ट कर रहे थे कि इस कोड को लाने की एकदम सख्त ज़रूरत है। तो हम 2016 के पहले, क्योंकि ये कोड आया 2016 में, 2016 के पहले इंडिया में क्या स्थिति चालू थी और ये कोड आने के बाद ये कोड क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इंडिया को किस तरह से बेटर करेगा, तो हम सिर्फ वही कहानी जानेंगे। आज हम 2024 में खड़े, 2016 के पहले इंडिया की कैसी कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, और उसके बाद 2016 के बाद ये कोड आने के बाद हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोड क्या क्या करके देगा। तो ओके, तो जो आई थिंक जो जिस फाइनेंस जिस इंसान ने जिसका सबसे बड़ा रोल रहेगा इस कोड के पीछे, वो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, लेट श्री अरुण जेटली जी। आई थिंक उनके वजह से ये कोड आया है और वो जानते थे इस कोड का इम्पैक्ट क्या आईबीसी 2016 की, क्योंकि क्या हो रहा था, जो ऐसा नहीं था कि इंडिया में ये पहला कानून था जो कि इंसॉल्वेंसी को लेकर डील कर रहा था, इसके पहले भी बहुत सारे कानून थे, बट हर कानून में कुछ ना कुछ खामियां थी। कभी कोई कानून टाइम बाउंड, मतलब एक टाइम नहीं देता था, तारीख पे तारीख लंबा चलते जाता था, कोई कानून में ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, कोई कानून स्पेसिफिक को लेकर मतलब ऐसा डील नहीं कर रहा था, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो हर कानून में मतलब सब में डेडलॉक्स आ रहे थे, कोई भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, इंडिया को उसके ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर रहा था। दैट्स वाई ये एक्ट, ये कोड इंट्रोड्यूस हुआ। राइट, कोड और एक्ट में क्या फर्क है, ये कोड है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मिला के जीएसटी बनाया गया, वैसे ही इंसॉल्वेंसी पे बहुत सारे एक्ट्स थे, उन सारे एक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया और आईबीसी 2016 इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे जो मेन आदमी थे अरुण जेटली जी थे, जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे 2014 से लेकर 2019 तक का जो टर्म था, तब उस टर्म में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, 19 से 2014 अभी निर्मला मैम है। ओके, अरुण जेटली जी एंड चिदम्बरम साहब, जो अपोजिशन से आते चिदम्बरम साहब, वो भी बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह जी, इंडिया के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनके बाद अगर मैं बोलूँगा तो पी चिदम्बरम एंड अरुण जेटली जी, ये दोनों एक ही लेवल पे, लाइक दे आर द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया कैन हैव। राइट, ओके, और अभी बिकॉज अरुण जेटली जी रहे नहीं और चिदम्बरम साहब दूसरी पार्टी से, तो द ओनली बेस्ट ऑप्शन वी हैव निर्मला मैम। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं कि बैंक्स क्या सीन था 2016 के पहले, क्या सीन हो रहा था। अभी देखिए बैंक्स क्या कर रहा था, हेविली लोन दे रहा था। अभी देखो, अगर कोई भी किसी भी कॉरपोरेट को लोन मिल रहा है, दो कॉरपोरेट रहते, एक ऐसा कॉरपोरेट है जिसके पास अच्छे खासे एसेट्स है और एक ऐसा कॉरपोरेट है जो कि ट्रेडिंग कंपनी है। अगर ऐसे कंपनी को लोन दिया गया जिसके पास अच्छे खासे एसेट है तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा वापस आ जाएगा। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक क्या करेगा, एसेट्स बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। बट बैंक ऐसे लोगों को भी लोन दे रहा था जो कि ट्रेडिंग कंपनी। अब ट्रेडिंग कंपनी का सीन क्या रहता है, इनके खुद के कोई इतने ज़्यादा एसेट्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी रहता नहीं। ट्रेडिंग कंपनी का क्या धंधा है, कोई प्रोडक्ट किसी चीज़ को उठाया, उसको अच्छे माल में बेच दिया, 2 रुपये में उठाया, 2.5 रुपये में, 3 रुपये में बेच दिया और 1 रुपया उनका प्रॉफिट हो गया। तो इसमें एसेट्स लगते नहीं, इतनी ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड वगैरह की ज़रूरत नहीं, ये तो एक कमीशन टाइप बिजनेस हो गया। तो ऐसी कंपनी का कुछ एसेट रहता नहीं, अगर बैंक इनको लोन दे रहा है, अगर ये डिफॉल्ट करते तो बैंक प्रॉब्लम में आ सकता है। तो बैंक क्या कर रहा था, इन्हें भी 100-100 करोड़, 1000-1000 करोड़ को लोन दे रहा था। राइट, अभी इनको लोन दे रहा है, एसेट वाली कंपनीज को लोन दे रहा है, तो लोन रिकवर होने के चांसेस है। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अडानी विल्मार एक ट्रेडिंग कंपनी। अडानी विल्मार मतलब ट्रेड कैसा करती है, वो सोयाबीन एडिबल ऑयल्स में ट्रेड करती है। फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ का रेवेन्यू उनका एडिबल ऑयल से आता है, तो 100 करोड़ का रेवेन्यू उनका फॉर्च्यून ब्रांड है उससे भी आता है, वो FMCG, बट 100 करोड़ मतलब 10% ही उनका रेवेन्यू FMCG से ब्रांड से आता है, वेरेज 90% ब्रांड उनका क्या, एडिबल ऑयल वो लेते और बेच देते, तो ट्रेडिंग करती है। तो अडानी विल्मार का अगर आप देखोगे भी उनकी बैलेंस शीट, क्योंकि लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी सारे, अगर आप NSE पे जाओगे सब कुछ उनकी बैलेंस शीट अवेलेबल रहेंगी एनुअल रिपोर्ट में, तो आप जाके चेक करोगे ना, तो उनकी एसेट, अडानी विल्मार की एसेट कम रहेगी, वेरेज अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन,
अडानी ग्रीन का एग्जांपल लोगे, उनके हैवी एसेट्स रहेंगे। अगर अभी अडानी ग्रीन के हैवी एसेट्स है तो लोन भी अडानी ग्रीन अच्छा खासा, डेट टू इक्विटी रेशियो जो रहेगा, फॉर एग्जांपल उनका 100 रुपये, 100 रुपये उनका खुद का पैसा इक्विटी है, तो डेट कितना, वो 400 रुपये का डेट लेके बैठे, और वो 400 रुपये उन्होंने, ऐसा नहीं वो 400 रुपये से 300 रुपये उन्होंने फिक्स एसेट में भी रखा है, तो राइट 100 रुपये का इक्विटी, 400 रुपये, 400 रुपये का डेट, मीन्स वो क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब उतने फिक्स एसेट है उनके पास, तो इतना डेट उनको मतलब इतना मैटर नहीं करता है अगर वो डेट ले भी रहे, क्योंकि उनके सारे फिक्स एसेट मतलब अच्छे एसेट के बैकअप में अगर कोई पैसा लोन ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी बंदे के पास एसेट ही नहीं है और उसको 100 करोड़, 1000-200 करोड़ का लोन मिल रहा है तो प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो अभी गवर्नमेंट इसी प्रॉब्लम से डील कर रहा था कि बैंक हेविली लोन दे रही थी ट्रेडिंग कंपनीज को, तो अभी इसी ये प्रॉब्लम आ रही थी। फॉर एग्जांपल बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया और इसने डिफॉल्ट कर दिया। अब हम आईबीसी की बात करते हैं, आईबीसी का एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि आईबीसी कैसे फंक्शन करता है। आई नो आपको ये प्रोसीजर पता होंगी बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया बैंक क्या करेगा, पहले क्या होता था बैंक सिविल सूट फाइल करता था, फिर वो तारीख पे तारीख चलते रहता था। बट आईबीसी में और कौन से ट्रिब्यूनल में जाना है, डीआरटी में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में जाए, कहाँ जाए, तो मतलब बहुत सारे एक्ट अलग अलग बातें बोलते थे, इसके वजह से एकदम प्रॉब्लम चल रहा था और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। इंसॉल्वेंसी में सारा फायदा कंपनीज को होता था, लोग डिफॉल्ट करते थे और आराम से, डिफॉल्ट करने के बाद इमेजिन करो इसके प्रमोटर ने 100 करोड़ का डिफॉल्ट किया है, राइट, और अभी ये आराम से इस कंपनी को कंट्रोल भी कर रहा है, बैंक के पैसे भी नहीं दिए, कंट्रोल भी कर रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो डिफॉल्ट कर रहा है बट प्रॉफिट खाया जा रहा है, मतलब कुछ प्रॉफिट बच रहा है, एटलीस्ट कंपनी भी चल रही है, तो बैंक क्या बोलेगा, भाई एक तो तुमने हमारे पैसे ले लिए, तुम डिफॉल्ट भी कर रहे हो, प्लस तुम कंपनी को भी चला रहे हो, मतलब कंपनी का तुम्हारे पास कंट्रोल भी है, तो मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा इनइक्वालिटी हो रही थी। एटलीस्ट बैंक इसको बेचो तो सही, कम से कम अगर तू हमारे पैसे नहीं दे सकती तो तू दिवालिया तो घोषित हो, तेरी एसेट वगैरह हम बेच के कुछ तो रिकवर करें, तो बट कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करे। ये कभी बोल देते हम इस हमारा ज्यूरिसडिक्शन ये एक्ट में सार्फेसी में एप्लीकेबल होगा, कोई बोलता था RDD रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएगा, कोई बोलेंगे हम सिक्का में आ रहे, तो इनके पास बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज हो रहे थे, लॉ का ही एक्सक्यूज लेके ये तारीख पे तारीख बच रहे थे, राइट। अभी आईबीसी आ गया है ना, तो इसीलिए आप देखोगे आईबीसी को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट मिला है, ये सारे एक्ट्स अभी रिपील हो जाएंगे, रिपील मतलब इनके जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन थे इंसॉल्वेंसी को लेके वो खत्म हो गए और आईबीसी को एक अपर हैंड मिला है, क्यों, इसको आईबीसी को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया इन सारे लॉस को लेके, सिक्का कंपनीज एक्ट में जो भी इंसॉल्वेंसी को लेके करस्पॉन्डिंग सेक्शन थे वो भी बंद हो गए, रिपील हो गए, RDD VFS RFAC इनमें भी जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन थे इंसॉल्वेंसी को लेके वो सारे रिपील हो गए और जो भी आईबीसी विल प्रिवेल फ्रॉम 2016। ओके, अभी हम बात करते हैं आईबीसी में क्या प्रोसीजर होती थी। कंपनी ने डिफॉल्ट मारा, बैंक क्या करेंगी, जाएंगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, दैट इज NCLT के पास, एप्लीकेशन फाइल किया NCLT। अभी आईबीसी के दो ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, NCLT इससे पूछेगी ओके तूने डिफॉल्ट किया, ठीक है अगर कोई कुछ मैटर, क्योंकि ये रिकवरी फॉरम नहीं है, डिफॉल्ट डिस्प्यूट ऑलरेडी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, पैसा दिया गया है, पैसा दिया गया है और इसने डिफॉल्ट किया, ये प्रूफ हो गया है, दैट इज ऑलरेडी प्रूफ, तो ये केस एक्सेप्ट कर लेंगे NCLT और CIRP स्टार्ट हो जाएगा। अब CIRP के सिर्फ दो ही मोटिव है, इसके पास 180 दिन है, पहले तो अभी ये कंपनी जैसे कि मैंने बोल दिया इंसॉल्वेंट हो गई है, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा नहीं है दैट मीन्स वो दिवालिया हो गई है। देखो कोई आदमी डिफॉल्ट कब मारता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते, मतलब बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास पैसे हैं और वो पैसे देना नहीं चाहते, राइट, जिसके पास पैसे नहीं वही पैसे दे नहीं पाते, अगर इसके पास कंपनी के पास पैसे होते तो ये दे ही देता बैंक को, चल भाई ले खत्म कर, बट पैसा ही नहीं, प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रहा है, राइट, इसीलिए अब तो मतलब ये कंपनी कैसी हो गई, सिक कंपनी हो गई, बीमार हो गई, पैसे ही नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये आईबीसी क्या करता है, कोई थर्ड पार्टी से क्या मंगवाता है, प्लान्स मंगवाता है, बिल्ड मंगवाता है कि चलो इस कंपनी को रिवाइव करके कोई देंगे क्या। फॉर एग्जांपल इस बैंक का 200 करोड़ का डिफॉल्ट था, 200 करोड़ इसको दिए थे और ये 200 करोड़ का इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, 200 करोड़ इस बैंक को रिकवर करने, अभी पैसे तो 200 करोड़ मिलने वाले नहीं बट कुछ तो मिले, कुछ अच्छे अमाउंट भी मिलेंगी, तो अभी ये NCLT क्या करेगा, एक CUC बनाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, उसमें ये बैंक्स को बुलाएगा कि तू ही उसका मेंबर बन, उस CUC में तू ही पार्टिसिपेट कर, राइट। अब
और सिर्फ यही बैंक रहेगा कि इस कंपनी ने इसका पैसा नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा होगा इसने कोई आदमी एक का पैसा नहीं देता है, मतलब वो दो तीन और लोगों का पैसा नहीं देता, तो सारे बैंक जिसने इस कंपनी ने जिससे भी लोन लिया है उस सारे बैंक्स को इस कमेटी में बुला लेगा, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। ओके, अब सारे उस सारे क्रेडिटर्स की एक कमेटी बन गई। ओके, अब ये क्या करेगा, बोलेगा भाई तुम्हारे जितने भी 200-300 करोड़ लोन है, चलो मैं क्या करता हूँ, 300 करोड़ का लोन पेंडिंग है ना, मैं तुम्हें 200 करोड़ देता हूँ, खत्म करो, तुम्हारे 200 करोड़ लो, क्लियर करो, आज से इस कंपनी को मैं चलाऊंगा, पूरी की पूरी कंपनी मैं खरीद लेता हूँ, जो भी इसके प्रमोटर्स डायरेक्टर्स हैं उन्हें किकआउट करूंगा, मैं टेक ओवर करूंगा इस कंपनी को, मैं चलाऊंगा, तुम्हें 200 करोड़ दे दूंगा, तुम्हारे 300 करोड़ के लोन्स क्लियर हो जाएंगे और इस कंपनी को आगे से मैं कंट्रोल करूंगा। ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बोलता है ऐसा, जो थर्ड पार्टी है, अभी इसको भूल जाओ, ये नाम भूल जाइए, टर्म से कुछ मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी बोलते हैं। देखो अभी इनको क्या झेलना पड़ा, इसके 200 में से समझ लो इसके पास अभी 185 ही आएंगे, राइट, क्योंकि 300 में से 200 करोड़ ही दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए, मतलब इसको क्या झेलना पड़ेगा, हेयर कट। हेयर कट क्या रहता है भाई, पूरी अमाउंट नहीं मिलेंगी, अभी इसको पूरे पैसे मिलने चाहिए थे बट वो नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये बैंक्स की ही गलती है, ये कोई रेमेडी नहीं दे रहे हम आपको, तूने भाई एक ट्रेडिंग कंपनी को लोन ही क्यों दिया, राइट, ये तेरी गलती है कि तू सफिशिएंट एसेट तेरे को रखना चाहिए था। तो अरुण जेटली जी चाहते थे कि मैं एक बैंक को एक टाइट स्लैप दूँ कि भाई तुम इतना एक ट्रेडिंग कंपनी को इतने सारे लोन किसके दे रहे हो, राइट, अगर उस कंपनी के एसेट्स है तब जाके लोन दे रहे हो तो ठीक है, बट लोन नहीं, अभी यू हैव टू सफर अ हेयर कट। अभी इसमें चिदम्बरम साहब क्या बोल रहे थे कि आप हेयर कट का एक परसेंटेज रख दो, मतलब एक फिक्स रेट रख दो कि चलो अगर 100 रुपये किसी ने डिफॉल्ट किया है तो जो सामने वाली पार्टी बिड कर रही है वो 70 एटलीस्ट 30% ही नीचे का हेयर कट ले सकती है, उसे 70 तो देना ही पड़ेगा, 70-70 तक का बिड देना ही पड़ेगा, राइट, ऐसा हेयर कट 30% का डिसाइड कीजिए। तो अरुण जेटली जी मास्टरमाइंड थे, उन्होंने बोला हम क्या करते हैं, बीच में आते ही नहीं है, ये पूरा सीओसी पे छोड़ देते, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ना पार्लियामेंट बोलेगा, ना एक्ट डिसाइड करेगा, ना ही एनसीएलटी डिसाइड करेंगे, कोई डिसाइड नहीं करेंगे, बैंक्स ने लोन दिया है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर खुद ही डिसाइड करेंगे कि कितना हेयर कट होना चाहिए, मतलब सारी पावर सीओसी को दे दी कि भाई इसका ऑफर लेना है कि नहीं, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं ला रहे, एनसीएलटी बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा, सीओसी तू ही डिसाइड कर, क्यों, क्योंकि तेरी गलती है, तू ही भुगत, हम ना ही हेयर कट में ना ही कोई कंडीशन डालेंगे कि 20% होना चाहिए, 30%, पूरा का पूरा सीओसी को ही हक दे दिया, पावर दी थी। इसमें चिदंबरम साहब का अच्छा पॉइंट था कि एक यूनिफॉर्म हेयर कट रख दीजिए जिससे मतलब यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो जाए कि सामने वाले ने समझ लीजिए इसको 100 करोड़ चाहिए थे तो एक हेयर कट फॉर एग्जांपल कि भाई 15% या 25% का हेयर कट ही होगा, उससे ज्यादा मत करो अदरवाइज बैंक्स को ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो अरुण जेटली जी बोलते ऐसा कुछ हम बीच में ये पॉइंट लाते ही नहीं, ओवर कॉम्प्लिकेशन होंगे, हम पूरा का पूरा हेयर कट इन पे ही छोड़ देते, सीओसी पे ही छोड़ देते, राइट, इसके वजह से ऐसा कोई हेयर कट नहीं आया, अदरवाइज हमें अगर चिदम्बरम साहब रहते ना, कांग्रेस रहता और ये एक्ट आता ना तो एक हेयर कट भी पड़ना पड़ता हमें, तो ऐसा हेयर कट का भी इसलिए कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, सारी की सारी पावर सीओसी को दे दिए, अब हम आगे डिसाइड करेंगे, देखना एनसीएलटी सारी की सारी पावर सीओसी को ही रखता है, मतलब अगर कोई बिड दी इसने उसमें अगर सीओसी ने हाँ बोल दिया है कि ये बिड मुझे पसंद है, एनसीएलटी भी आगे जाके रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। हाँ अगर फंडामेंटली गलत है कि समझ लो किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर को पैसा ही नहीं दिया या कुछ तो एनसीएलटी बीच में आ सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ना एनसीएलटी बीच में नहीं आएंगे। अगर सीओसी ने एक्सेप्ट कर लिया रिजोल्यूशन प्लान तो 99% चांसेस है वो प्लान अप्रूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अरुण जेटली जी ने बोला था कि सारा ये सारी पावर इन्हें दे दो क्योंकि इन्हीं की गलती है, यही भुगते, मतलब इन्हीं के पैसे इन्हीं को ही मिल रहे, सारी के सारी पावरफुल इन्हीं के दे दो, और प्रॉब्लम भी इन्होंने ही क्रिएट की, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, इसी कंपनीज को लोन दे रहे थे जिनके पास कोई एसेट ही नहीं थी अच्छी खासी। ओके, होप इतना समझा, अभी 180 दिन है, 180 में कोई अगर कोई प्लेयर आ जाता है, थर्ड पार्टी आ जाता है, रिवाइव कोई अच्छा खासा ऑफर दे देता है, सीओसी एक्सेप्ट कर लेती है, गुड टू गो, खत्म हो गई कहानी, 180 दिन खत्म हो जाती है, कोई नहीं आता है, इस एक्ट की इस कोड की यही अच्छी बात है, कंपनी हो जाएगी लिक्विडेट, राइट, सीधा कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, खत्म, सीधा बात चल जाएगी, सारे एसेट बेच दो, सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, खत्म करो, जितने एसेट से जितने पैसा है सारे क्रेडिटर्स को चुका दो, एक्ट ये कूड़ी बताएगा किस रेशो में किस
हमें किस वे, कौन से, उसे वाटरफॉल अरेंजमेंट बोलते हैं, आपने सुना होगा। मतलब 100 रुपये है तो किसको, 100 में से 10 रुपये सबसे पहले कौन से 10 रुपये किसको जाएंगे, फिर वो बचे हुए 20 रुपये किसको मिलेंगे, मतलब वो भी ये कोड ही बताता है। अगर लिक्विडेशन हो जाता है, सेक्शन 53 वाटरफॉल अरेंजमेंट कौन बताता है, ये कोड ही बताता है, राइट। मतलब 180 दिन में अगर तुम्हारे कोई कंपनी रिवाइव हो जाती है, कोई थर्ड पार्टी इसको खरीद लेता है, प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को किकआउट कर देता है और कंपनी खरीद लेता है, गुड टू गो। नहीं होता है 180 दिन में, लिक्विडेट करो, बैंक्स को जो भी मिल रहा है, एसेट बेच के जितने भी पैसे मिल रहे हैं खत्म करो, कहानी खत्म। आईबीसी का यही ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। एक मेरे को एक डाउट है, आई थिंक लोगों को पता नहीं होगा, प्रमोटर डायरेक्टर्स में बहुत ये समझ गया क्या, समझो किसी, वापस एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कंपनी को पैसे लेने थे, बैंक को पैसे लेने थे किसी कंपनी से 200 करोड़, डिफॉल्ट किया, बैंक जाएंगे एनसीएलटी में, एनसीएलटी को दो काम है, कंपनी को रिवाइव करो, 180 दिन देता हूँ, थर्ड पार्टी ढूंढो, कोई बिड करता है तो बिड ले लो, सीओसी को अच्छा लगता है एक्सेप्ट करो, नहीं अच्छा लगता है 180 दिन में लिक्विडेट कर दो। कंपनी का कोई रोल नहीं है भाई, तुम तो डिफॉल्टर हो, तुमसे ना ही हम पूछेंगे, तुम सीओसी में ना ही तुम्हें कोई हिस्सा मिलेगा। हाँ, मीटिंग में एक बार आके, एक दो बार आके बैठ सकते हो, रिजोल्यूशन प्लान की कॉपी चाहिए ले सकते हो, रिजोल्यूशन प्लान मतलब ये बिल्ड वाला एक प्लान देगा ना कि किस किस क्रेडिटर को कितना रुपया दूंगा, कब तक दूंगा, जो भी एक प्लान रहेगा रिजोल्यूशन प्लान, तो सीओसी को चल एक कॉपी इनको दे देते, बट ये उस प्लान में, रिजोल्यूशन प्लान में अपनी ताना खींचा खाची कुछ नहीं कर सकता भाई, तुम साइड में रहो, अभी सिर्फ इनका मैटर है, बैंक, बैंक मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, और थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने एक्सेप्ट दे दिया, थर्ड पार्टी ने अगर कोई बिड किया है, इनको पसंद आया, खत्म बात। 180 दिन है, नहीं कोई ऑफर आता है, नहीं कुछ, इन्हें ऑफर आया, इन्हें पसंद नहीं आया तो भी प्रॉब्लम नहीं, 180 दिन होते, कंपनी के सारे एसेट्स बेच दो, जितनी बची कुछ है, बैंक्स को जितना पैसा मिला कर दो, और कंपनी लिक्विडेट कर दो 180 दिन के अंदर। बेसिक बेसिक यही स्ट्रक्चर है आईबीसी का, ओके। ये एक्ट सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं आया था, इंडिविजुअल्स के लिए भी आया था, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म सबके लिए आया था, बट हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना नहीं है कि अभी तक हमने वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप का एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है, मतलब ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ओके। तो ये सिर्फ कॉरपोरेट का चल रहा है, इसलिए आईसीएसआई क्वेश्चन भी नहीं पूछता है उनमें से, होप इतना समझा आपको। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था, प्रमोटर्स और डायरेक्टर में डिफरेंस समझा रहा। देखो, प्रमोटर और डायरेक्टर, इनमें बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, मतलब देखो, कंपनी में सबसे बड़ा कौन होता है, हमारे देश में सबसे बड़ा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर, गवर्नर तो चलो स्टेट का होता है, सबसे बड़ा हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा वही सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, इनको पावर दी, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गवर्नमेंट से भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि इन्होंने इसी की पावर दी। हाँ, हम लूपोल से कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को अगर मतलब किसी को कुछ करना ही है, फॉर एग्जांपल को गवर्नमेंट को कुछ करना ही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देता है, वो चलता है, बट प्राइमा फेसे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होता है, ओके। अभी कंपनी में सबसे बड़ा कौन होता है, देश में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम अमेंड वगैरह कर सकते हैं, पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकती है, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट प्राइमा फेसे कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा है। कंपनी में सबसे बड़ा कौन होता है, प्रमोटर डायरेक्टर। प्रमोटर कौन होता है, जिसने सबसे पहले कंपनी फॉर्म की थी। अब चलो हम जोमेटो का एग्जाम्पल लेंगे, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। जोमेटो का प्रमोटर कौन है, फाउंडर कौन है, प्रमोटर मतलब फाउंडर, फाउंडर कौन है, दीपेंद्र गोयल, ओके। इसके पास कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग होंगी, क्योंकि इसने कंपनी फॉर्म की है। अभी ये आईटी कंपनी, आईटी मतलब ऐसी कंपनीज को, जोमेटो जैसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट्स देते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा चिप इन करना पड़ता है, राइट। एक आदत, कस्टमर को आदत लगानी पड़ती है, तब जाके ऑर्डर्स आते, नहीं तो ऑर्डर्स नहीं आते, तो इसलिए इसको क्या करनी पड़ेंगे अपनी, इसका आइडिया बेस्ट है, सब बेस्ट है, ये बिजनेस प्लान एकदम बेस्ट है, बट भाई तेरे पास पैसे नहीं है ना, आइडिया से थोड़ी चलेगी, तो तेरे को तेरी इक्विटी क्या करनी पड़ेगी, डायल्यूट करनी पड़ेगी, और तब जाके लोग तुझे पैसे देंगे, और पैसे कौन देते हैं, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर बिकम वॉट, शेयर होल्डर, क्योंकि उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए पैसे लगने वाले, दैट्स वाई शार्क टैंक, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, ओके।
प्रमोटर कौन है? जो कंपनी को फॉर्म करता है, बनाता है। दीपेंद्र गोयल का एग्जाम्पल लेते हैं, जोमेटो में दीपेंद्र गोयल इज द प्रमोटर। इसके पास 100% शेयर होल्डिंग थी जब इसने 2010 में जोमेटो स्टार्ट की थी। ओके, डायल्यूट करते करते 2024 में आ जाओ, दीपेंद्र गोयल के पास कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है आज? सिर्फ 4.24%। 100% का मालिक सिर्फ 4.24% पे आ गया। मतलब दीपेंद्र गोयल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, राइट? बट एमडी है, जोमेटो का सीईओ है, जोमेटो का फाउंडर भी है। फाउंडर है, एमडी है, सीईओ है, बट ये सब कुछ नहीं, तू भाई एम्प्लॉय है कंपनी का। क्योंकि तेरे पास कितना है? सिर्फ 4%। बाकी 96% किसके पास है? शेयर होल्डर, इन्वेस्टर के पास। तो बड़ा कौन होता है? ना ही प्रमोटर बड़ा होता है, ना ही डायरेक्टर बड़ा होता है। अगर जिसके पास शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, अगर प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो प्रमोटर बड़ा होगा, डायरेक्टर के पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो डायरेक्टर बड़ा होगा। अगर इसके जब तक इसके पास शेयर होल्डिंग थी और ये एमडी सीईओ था तो कंपनी इसकी थी, खुद की थी भाई। जैसे जैसे इसकी शेयर होल्डिंग कम होती गई, अभी एमडी सीईओ मतलब एम्प्लॉय है भाई तू। ओके, तू कंपनी का सबसे बड़ा नहीं। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? याद रखना, कंपनी का पापा कौन रहता है? शेयर होल्डर। चाहे वो प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, एमडी हो, सीईओ, जॉइंट एमडी हो, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ नाम है, ये तो कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइन भी नहीं है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आपको दिखेगा भी नहीं। ये तो हम, ये यूएसए के टर्म है, ये बाहर से आए। सबसे बड़ा कौन है? जिसकी लाठी उसकी बैस, जिसके पास शेयर होल्डिंग्स है, राइट? जिसके पास पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, वही प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग 100% है तो वही मालिक है। अनटेलेस वो डायल्यूट करता है धीरे धीरे, एफआईआई, डीआईएस, इन्वेस्टर्स आते, उसकी शेयर होल्डिंग्स कम होती जाती है। अब ये पावरफुल हो गए भारत पे, निकाल दिया अश्विनी ग्रोवर को। ट्रैविस, जो कि किसके फाउंडर थे? उबेर के, उसने कंपनी बिल्ड की, उसने सब किया। कैब, टैक्सी, टैक्सी में इंडस्ट्री बिल्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सब करता है, दिमाग लगाता है, ऐप लेके आता है, टेक लेके आता है, सीटीओ लेके आता है, पूरी कंपनी बनाता है, कंपनी को एक लेवल तक लेके जाता है। इन देंड डायरेक्टर उसे क्या करते हैं? डायरेक्टर्स बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर उसे क्या करते? निकाल देते। डायरेक्टर इज नथिंग, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग बैठते वो एम्प्लॉय रहते। अब वो एम्प्लॉय कैपेसिटी में बैठते, बट उनके पास अगर शेयर होल्डिंग है तो उस रूम में उसकी चलेगी। उसके पास शेयर होल्डिंग नहीं है, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यस और नो, बस फेवर या रिजेक्ट, बस उसको इतना ही, उस रिजोल्यूशन तक ही उसकी पावर सीमित है। जिसके पास शेयर होल्डिंग रहेगी वही बड़ा रहेगा। आई होप ये डाउट ऑफ द टॉपिक था, बट ये लोगों को पता ही नहीं है। मतलब लोगों लोग बोलते हैं, अरे भाई एमडी आया, एमडी आया, सीईओ आया कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तो क्या भाई वो एम्प्लॉई है? मतलब बड़ा नहीं है वो। ओके, बड़ा वो है जिसके पास शेयर होल्डिंग है। मतलब जिनके पास शेयर होल्डिंग है ना, वो कंपनी में आते ही नहीं, वो क्यों आए? थर्ड जनरेशन चालू है भाई, मेरे परदादा ने खोली थी कंपनी, थर्ड जनरेशन चालू है लिस्टेड, मेरे को सिर्फ 20% शेयर होल्डिंग मेरे नाम पे। बस मैं सीईओ को कॉल करता हूँ और झापता हूँ, शेयर नीचे एक प्राइस के नीचे शेयर आ जाता है। मैं एमडी सीईओ को झापता हूँ, बेस्ट आईआईटी, बेस्ट आईआईएम के लोग बैठे हुए, निकालू तुझे? बोलता है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अगले दिन सेल्स को ग्रोथ करता हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे लेके आता हूँ, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं, एमडी की बस उतनी, एमडी बस उतने हैं, अंटी अनलेस वो एमडी के पास शेयर होल्डिंग नहीं है। क्योंकि अगर उसकी अच्छी शेयर होल्डिंग है, एमडी खुद ही मालिक है, तो उसको कोई झापने वाला नहीं है। बट वो फर्स्ट जनरेशन रहता है, सेकंड जनरेशन में उसका बेटा आ जाता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं रहती, तो भाई वो साइड में बैठता है। कोई हम प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज बोलते हैं, क्योंकि उनके बीओडी, उनका एमडी, उनका सीईओ कौन रहता है? एक प्रोफेशनल पर्सन रहता है। कंपनी किसी और ने चालू किया, अब शेयर होल्डिंग कोई और होल्ड कर रहा है, उसका बेटा होल्ड कर रहा है सेकंड जनरेशन का, बट कंपनी चला कौन रहा है? एक प्रोफेशनल आदमी चला रहा है। उसका मतलब ये नहीं कंपनी उसकी है, कंपनी किसी दूसरे पर्सन की है जिसके पास शेयर होल्डिंग है। ओके, इतना समझा आपको? आईबीसी समझ गया? आईबीसी के आज सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया, हम इसके बाद जानेंगे कि अरुण जेटली जी कैसे 29A लेके आए। मतलब 29A क्या है? जो बिड करता है उसमें कौन किस किस पर्सन को एलिजिबल, कौन कौन पर्सन एलिजिबल रह सकता है, हम वो भी जानेंगे। उसमें चिदम्बरम साहब बोल रहे थे कि तुमने इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन क्यों रखा है, इतना वाइडर स्कोप क्यों कर दिया है, सभी इसमें तो कोई भी एलिजिबल नहीं है। क्योंकि 29A देखोगे तो आप बहुत बड़ा है 29A, तो हम वो बोलेंगे कि चिदम्बरम साहब के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, अरुण जेटली जी के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, और फिर हम देखेंगे और क्या क्या देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। वेट 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 वेट, सीओसी को फुल पावर, वो तो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। बस बाकी कुछ जो कल, बाकी आज सिर्फ एक स्टोरी चली, राइट? आईबीसी क्या है, एकदम स्मॉल, एकदम एकदम छोटे। इसमें कल से हम जाएंगे, हम बुक्स भी खोलेंगे, हम फटाफट
ट्राई करेंगे, राइट। मतलब मैं आपको सिर्फ रटवाना नहीं चाहता हूँ, मतलब ट्रांसलेट नहीं करना है मेरे को, सिर्फ ऐसे ही, मतलब मैं चाहता हूँ आप COC IBC को रटो ना, सिर्फ आपके दिमाग से आंसर लिखो। और ये कब होगा, अगर आपको सिर्फ अरुण जेटली जी का माइंडसेट पता चल गया ना, और आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको ये पता है प्रमोटर कौन रहता है, कंपनी किसकी है, तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़ा, प्रमोटर बड़ा, MD बड़ा, अगर आप ये बेसिक बेसिक क्लियर है ना आपके, तो आपको मतलब IBC एकदम, मतलब ऐसा है बैंक के पैसे निकलवाने, बैंक की गलती है, उसको हम रेमेडी नहीं दे रहे, उसको पैसे निकलवाने, उसको COC में भेज दिया, कोई थर्ड पार्टी आ रहा है, जिसका प्लान अच्छा लग रहा है एक्सेप्ट कर, जिसका नहीं लग रहा है कि COC ने प्लान एक्सेप्ट कर दिया, तो NCLT कुछ नहीं बोलेंगे, NCLT क्या गवर्नमेंट भी कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट। तूने एक्सेप्ट कर दिया, फिर हम अभी हम रट्टा के संवार थे, COC के एक्सेप्ट करने के बाद NCLT को भी एक्सेप्ट करना है। NCLT सिर्फ वही चेक करता है, एक क्लेरिकल काम कि भाई वो उसने फंडामेंटली वो प्लान सही है क्या, बस उतने ही चेक करेंगे, प्लान के मेरिट्स में नहीं जाएंगे। NCLT ने अप्रूव कर दिया, गुड टू गो। NCLT सिर्फ क्लेरिकल प्रोसीजर है, उसने अप्रूव कर दिया, COC ने अप्रूव कर दिया, 99% NCLT भी अप्रूव कर देता है, कर दिया, गुड टू गो, प्लान सक्सेसफुल। 180 दिन हो गए, COC ने अप्रूव नहीं किया, मतलब NCLT तो करेंगे नहीं, सीधा कंपनी लिक्विडेट हो जाएंगे, और लिक्विडेट हो गई मतलब वाटरफॉल अरेंजमेंट में सेक्शन 53 होगा, कंपनी के एसेट बेचेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे, बैंक्स को जितना मिला एसेट से खत्म देंगे, कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे। ओके ठीक है, कल देखते हैं, अभी कल क्या होगा, कल आई ट्राई की कल। और हाँ, मैं आई डोंट नो कौन देख रहा होगा अभी ये लेक्चर्स, क्योंकि अभी चल, अगर कोई देख रहा होगा अभी तक, कोई रुका होगा, लास्ट मैसेज में यही बोलूंगा कि आई ट्राई की मैं, मतलब अगर आप सिर्फ ईयरफोन लगा के भी सुनोगे ना, तो भी मैं ट्राई करूँगा, मतलब मैं नहीं चाहता आप बुक लेके बैठो, पेंस लेके बैठो, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और मैं और एक पर्सन को लाने वाला हूँ जो कि आपको RCD सिखाएंगे, क्योंकि RCD बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैं वो लाने वाला हूँ। DD उसमें मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो DD इज लाइक आपको याद करवाने वाला सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरी, तो मैं कोशिश करूँगा आपको याद करूँगा वो कैसे, मतलब उसमें DD में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बट आई ट्राई कि मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँ स्टोरी मोड में, जैसे IBC के साथ स्टोरी मोड है, वो DD स्टोरी मोड नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा आपको रटवाऊँ ना, क्योंकि वो मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मैं आपको वो एकदम स्टोरी बना के, मतलब स्टोरी भी क्या बनाऊंगा, बट मैं कोशिश करूँगा वो आपको याद करवाते जाओ। DD IBC यू चलते रहेंगे, वैल्यूएशन ले लेंगे हम, CRI का वैल्यूएशन ले लेंगे, 10 मार्क्स वहाँ निकल जाएंगे, CRI भी इजी है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग देख लेंगे, इंसॉल्वेंसी तो चल ही रहा है, हो जाएगा, राइट। तो वो पहला वीडियो था, आई डोंट थिंक सो, चलो देखते हैं अभी कैसा चलता है, लेट्स गो लेट्स गो।